खरगोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गोगावा थाना अंतर्गत ग्राम सिंगलूर से 17 देसी पिस्टल और पिस्टल बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया गया है। इन 7 आरोपियों में खरगोन SP सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले मोहसिन को पिस्टल बेचने वाला तूफान सिंह को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग टिमरनी पुल के नीचे पिस्टल बेचने के लिए आने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर घेराबंदी की गई। भागने का प्रयास करते हुए आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। उनके पास से 17 पिस्टल बरामद की गई हैं, साथ ही पिस्टल बनाने की सामग्री भी पुलिस ने जब्त की है। रामनवमी जुलूस के दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी पर गोली चलाने वाले आरोपी मोहसिन को, अवैध पिस्टल बेचने वाले फरार तूफान सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी 7 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, अवैध हथियार कहाँ बेचे जा रहे थे। अभी कुछ समय से लगातार हमारे पास सूचना आ रही थी कि अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई, स्पेशल टीम, और सिगनूर जो गांव है वहां पर दबिश दी गई। इसमें 4 टीमें थी, 4 टीमों के नेतृत्व में ये दबिश दी गई और इसमें करीब 7 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी तूफान सिंह, जो कि रामनवमी दंगे वाले मामले में जो कि फरार था, जिसने हथियार सप्लाई किए थे SP सर को गोली मारने वाले पर, तो उसको भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 6 अन्य आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जो कि तस्कर थे और बाहर हथियारों की सप्लाई करते थे। लिंक कहाँ से मिली थी सर? तूफान सिंह से लिंक मिली थी आपको? हाँ, इसके पर हमारे पास मोहसिन से तूफान सिंह की लिंक मिली है और तूफान सिंह से बाकियों की लिंक हमें मिली थी और हमारे पास अन्य मुखबिरों से भी सूचना थी, जिस पर हम लोगों ने एक्ट किया है। क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें टोटल हम लोगों ने अभी 17 पिस्टलें जब्त करी हैं और 17 पिस्टल के अलावा जो इनका जो मशीनरी रहती है पूरी बनाने की, ऐसे 6 कारखाने हम लोगों ने, फैक्ट्री जो है वो जब्त करी हैं और अभी इन लोगों से सघन पूछताछ की जाएगी, इनकी रिमांड भी ली जाएगी ताकि और इनका नेटवर्क को पता कर सके। कुछ आशंका है सर, कोई ग्रह वगैरह की आशंका है? अभी उसमें हम लोग पूछताछ करेंगे और विवेचना जो हमारी अनुसंधान रहेगा उसमें जैसे तथ्य सामने आएंगे उस पर कहाँ लेके जा रहे थे अभी ये कहीं लेके नहीं, इनके द्वारा बनाया निर्मित किया जाता है और अपने एजेंटों के थ्रू ये सप्लाई करवाते हैं। हाँ, इसमें एक तूफान सिंह पकड़ा गया है जिसने मोहसिन को ये पिस्टल सप्लाई करी थी, मोहसिन के द्वारा ही SP सर पर हमला किया गया था रामनवमी के दंगे वाले थे। नहीं, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये किसके लिए सप्लाई किए जा रहे थे, लेकिन इसमें अभी हम लोग रिमांड लेके इस पर पूछताछ करेंगे और जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसको अवगत कराएंगे। कीमत कितनी होगी सर? एक पिस्टल की ये बाजार में जो बेचते हैं करीब 10,000 से 15,000 में ये बेचते हैं। अभी ऐसे कुछ तथ्य सामने नहीं आए, इसकी पुष्टि की जाएगी। खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट।